Hello everyone, today I welcome you all in this English lecture and today we are going to learn a chapter named The Night I Met Einstein by Jerome Weidman. So let's begin. So first of all, we'll have a small introduction on Jerome Weidman. Jerome Weidman, who was born in 1913 and died in 1998, was an American playwright and novelist. तो जीरोम वाइडमैन एक अमेरिकन प्लेराइट थे और नॉवलिस्ट थे. उन्हें नॉवल्स लिखने का बहुत शौक था. इन 1960 ही वन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज वर्क अ म्यूजिकल ड्रामा टाइटल्ड फायरोलो. तो 1960s में उन्होंने एक प्राइज जीता था जिसका नाम है पुलित्जर. और किसके लिए जीता था? म्यूजिक के लिए जीता था. एक म्यूजिकल ड्रामा था, उसके लिए जीता था. और उसका नाम क्या था? फायरोलो. ही कोलैबोरेटेड विद जॉर्ज एबर्ट, जेरी बॉक एंड शेल्डन हार्निक फॉर इट्स म्यूजिक एंड लिरिक्स. तो उनके म्यूजिक और लिरिक्स के लिए उन्होंने एक कोलैबोरेशन किया था. किसके साथ? जॉर्ज एबर्ट, जेरी बॉक और शेल्डन हार्निक के साथ. हिज बुक आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल has also been used for a movie of the same name. तो उनका एक बहुत फेमस बुक था जिसका नाम था आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल. तो वो बहुत फेमस हुआ था बुक, बहुत सी बीके भी गए थे और यही बुक पे एक मूवी भी बनाया गया था. When I was a very young man, I was invited to dine at the house of a philanthropist. तो इधर लेखक हमसे क्या कह रहे हैं कि जब भी मैं बहुत यंग था तब भी मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया गया था. और किसके घर? एक फिलेंट्रोपिस्ट के घर. फिलेंट्रोपिस्ट कौन होता है? जो समाज सेवा करते हैं उसे फिलेंट्रोपिस्ट कहते हैं. आफ्टर अ वंडरफुल डिनर आवर हॉस्टेस टुक अस टू अ लार्ज ड्रॉइंग रूम. ना हॉस्टेस का भी मीनिंग क्या है? अ वुमन हु इन्वाइट्स गेस्ट टू सोशल इवेंट. मतलब जब भी उनका डिनर हुआ, बहुत अच्छे से उन्होंने खाना खाया, तब भी एक औरत आई जो गेस्ट को इनवाइट करती है, उसे हॉस्टेस कहते हैं. वो आई और उन्होंने पर्टिकुलर इंसान को ड्राइंग रूम के यहाँ ले लिया. चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड. और जो भी चेयर्स थी वो उन्होंने अरेंज की. किसने? हॉस्टेस ने. आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर अ कॉन्सर्ट, माय हॉस्टेस सेड. वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पायनिस्ट. तो अभी हॉस्टेस ने क्या कहा कि मैं चेयर्स अरेंज कर रही हूँ और हम लोग एक बहुत अच्छे पायनिस्ट को सुनने वाले हैं. नाउ हु इज अ पायनिस्ट? द वन हु प्लेस पियानो. जो पियानो बजाते हैं उन्हें पायनिस्ट कहते हैं. दो एवरीवन एल्स वाज वेरी हैप्पी, आई वाज नॉट. तो लेखक हमें यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये सुन के सभी लोग खुश थे बट मुझे इतनी खुशी नहीं हुई. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक. ऐसा क्यों? बिकॉज मेरे को क्लासिकल म्यूजिक समझ में ही नहीं आता था, इसलिए मैं इतना खुश नहीं था. I thought I was tone deaf. तो जब भी मैं सुनता था तभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहरा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. क्यों? बिकॉज मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था. I sat down so that I would not be impolite and waited for the concert to begin. पर मैं बैठ गया. क्यों? बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं नहीं बैठा तो I'll be impolite. मतलब पोलाइटनेस की भावना मेरे में नहीं होगी, इसलिए मैंने सबका मान रख के मैं बैठ गया. I did not pay attention to the music after it began. और जब भी वो म्यूजिक बिगिन हुआ तभी मैंने अटेंशन नहीं पे किया. मतलब मैं मेरी ही धुन में था, मैंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया ठीक से. After a while, I heard everyone clapping. So I realized that the piece was over. तो कुछ ही देर के बाद जब मैं उधर बैठा था तब मैंने सबको तालियां बजाते हुए देखा. एंड मुझे तभी रियलाइज हुआ कि फाइनली ये जो प्ले था वो खत्म हो चुका है और अभी मैं चैन की सांस ले सकता हूँ. आई हर्ड अ जेंटल बट फर्म वॉइस सेइंग, यू आर फॉन्ड ऑफ बैच. तो तभी मेरे पास एक आदमी आया जो कि मेरा नेबर ही था और उसने मेरे को पूछा कि आप बैच के बारे में जानते हो क्या, आप उसे पसंद करते हो क्या. अभी यहाँ पे बैच क्या है? योहान सेबेस्टियन बैच, अ जर्मन ऑर्गेनिस्ट एंड कंपोजर ऑफ द 17th सेंचुरी. तो 17th सेंचुरी में एक जर्मन ऑर्गेनिस्ट और कंपोजर हुआ करते थे.
सबेस्टियन बैच, तो ये जो नेबर था उसे इसी बारे में पूछ रहा था। आई न्यू एज मच अबाउट बैच एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसने मन ही मन में क्या कहा कि जितना मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स पता है उतना ही मुझे बैच के बारे में पता है, मतलब हार्डली आई नो अबाउट दैट बैच, मुझे बहुत कम जानकारी थी उसके बारे में। आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। तो राइटर ने क्या सोचा कि मैं कुछ तो ऑर्डिनरी बोल देता हूँ बिकॉज मुझे इतना नॉलेज नहीं है, ये जिसके बारे में मुझे पूछ रहे हैं उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, और अगर मैंने एक हाथ कुछ तो बोला, मतलब बहुत ही कम बोला कि मुझे नहीं पता एंड ऑल, तो मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊँगा। अगर मैंने इन डिटेल बताया तो मुझे और सवाल करेंगे, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी आंसर दूंगा इसे, ऐसे उन्होंने सोचा। आई टर्न्ड इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर एंड आई सॉ अ वेरी फेमस फेस। तो मैंने जब भी मुड़ा और मेरे नेबर को देखा तब एक बहुत ही फेमस फेस था, बहुत ही जाना माना फेस था मेरे बाजू में, मतलब चेहरा था। इट वॉज समवन विद अ शॉक ऑफ वाइट हेयर एंड अ पाइप। तो जब मैंने देखा तभी एक ऐसा आदमी था जिसके बाल पूरे वाइट थे और उनके पास एक पाइप था। आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ। और मुझे पता था कि इस आदमी से झूठ बोल के फायदा नहीं, मुझे इसे सच सच बता देना चाहिए। ही लुक्ड एट मी एज इफ माई आंसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जिस तरह मुझे देख रहे थे उन्हें ऐसे ही लगा कि मैं जो आंसर करूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट बैज, आई सेड। आई हैव नेवर हर्ड एनी ऑफ हिज म्यूजिक। ही लुक्ड सरप्राइज्ड। तो मैंने क्या कहा कि मैं नहीं जानता बैज के बारे में और मैंने कभी उनका म्यूजिक भी नहीं सुना है। ये सुनते ही वो जो वाइट कलर के बाल वाला आदमी था वो बहुत ही सरप्राइज था, मतलब आश्चर्यचकित हुआ। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैज, ही आस्क्ड। और उन्होंने क्या पूछा कि आपने सच में कभी सुना नहीं है उनका म्यूजिक। ही मेड इट साउंड एज इफ आई हैड सेड दैट आई हैव नेवर टेकन अ बाथ। तो उन्होंने मुझे ऐसे पूछा कि कभी मैं नहाया ही नहीं था, ऐसे मुझे उन्होंने क्वेश्चन पूछा। आई लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बैज, आई सेड, बट आई एम नॉट एबल टू, आई एम अ टोन डेफ। द ओल्ड मैन गॉट अप। तो तभी मैंने उनसे क्या कहा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ म्यूजिक अंडरस्टैंड करने की पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता और इसलिए मुझे बैच के बारे में नहीं पता। एंड मैंने उनसे क्या कहा और मैं कभी जानना भी नहीं चाहता बिकॉज आई एम अ टोन डेफ। टोन डेफ मतलब म्यूजिक के बारे में पता नहीं होना, मतलब जो हाई और लो नोट्स है म्यूजिक के उसके बारे में पता नहीं होना उसे टोन डेफ कहते। और जब मैंने ये सब चीज़ें उनसे कही तो जो ओल्ड मैन थे वो अचानक से उड़ गए और मुझे देखने लगे कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब। यू विल कम विथ मी, ही आस्क्ड। आई जस्ट रिमेन सीटेड। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विथ मी, ही सेड अगेन। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ आओगे। तो मैंने उनको अनसुना कर दिया और मैं वहाँ पे बैठा ही रहा। उन्होंने फिर से मुझे पूछा, इनफैक्ट उन्होंने मुझसे अभी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मेरे साथ आओगे क्या, फिर से उन्होंने यही कहा। सो आई वेंट अप विथ हिम, ही टुक मी टू अ रूम विच हैड ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। तो अभी उन्होंने मुझे कहाँ पे लेके गए, एक रूम में लेके गए जहाँ पे ग्रामोफोन था। ग्रामोफोन क्या है, मशीन फॉर प्लेइंग रिकॉर्डेड म्यूजिक, एक ऐसी मशीन जहाँ पे रिकॉर्डेड म्यूजिक प्ले की जाती है। तो उन्होंने मुझे रूम पे लेके गए और मुझे उन्होंने ग्रामोफोन दिखाया एंड मुझसे क्या पूछा कि आपको कौन से टाइप का म्यूजिक पसंद है मुझे बताओ। वेल आई आंसर्ड, आई लाइक सॉन्ग्स दैट हैव वर्ड्स एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक वेर आई कैन फॉलो द ट्यून। तो मैंने क्या कहा कि मुझे ऐसी म्यूजिक पसंद है जहाँ पे लिरिक्स हो, जहाँ पे वर्ड्स हो और मैं उस म्यूजिक में इतना ढूंढ जाऊँ कि मैं वो टोन फॉलो करता रहूँ, इतना मेलेडियस होना चाहिए वो। आई लाइक म्यूजिक विद वर्ड्स, उसने ऐसे कहा। किससे, वो ओल्ड मैन से।
मतलब इन शॉर्ट राइटर क्या बोलना चाहता था कि मुझे ट्यून वाली म्यूजिक ज्यादा पसंद है। ही स्माइल्ड एंड नॉडेड, ऑब्वियसली प्लीज्ड। यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स? तो मैंने उनसे जब कहा कि मुझे ऐसी म्यूजिक पसंद है जहां पे ट्यून हो, तो तब भी वो सुन के वो मुस्कुराए एंड उन्होंने नॉड किया। नॉड मतलब सर हिलाते हैं ना, उसे नॉडिंग कहते। और वो बहुत ही खुश थे और वही खुशी में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप एक एग्जांपल दे सकते हो क्या कि आपको किन के गाने सुनने में अच्छा लगता है। आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग क्रॉसबाय। एट वंस आई कुड हियर बिंग क्रॉसबाइज वॉइस फिलिंग द रूम। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बिंग क्रॉसबाय बहुत पसंद है। बिंग क्रॉसबाय कौन है? एक अमेरिकन सिंगर है और एक्टर है। तो ये जो राइटर था उन्होंने वही कहा कि मैं बिंग क्रॉसबाय का आवाज कहाँ भी सुन सकता हूँ, मेरे फेवरेट सिंगर है वो। तो तभी राइटर ने फिर से कहा कि एक मिनट के लिए मुझे ऐसे लगा कि वही यहाँ पे गा रहे हैं। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड ही सेड। तो तभी उन्होंने मुझसे कहा, इनफैक्ट पूछा कि क्या आप बता सकते हो क्या कि अभी आपने जो सुना इस रूम में वो क्या था, आपने एग्जैक्टली क्या सुना। द सिंपलेस्ट आंसर सीम टू बी टू सिंग द लाइन्स। तो मुझे सिंपलेस्ट आंसर क्या लगा कि ये जो लाइन्स है मैं फिर से उन्हें गा के दिखाऊँ जो अभी मैंने सुने थे वो। सो आई सैंग इट बैक टू हिम। तो मैंने फिर से वो जो लाइन्स है वो मैंने रिपीट किए, मैंने फिर से गाया उनके सामने। यू आर नॉट टोन डेफ ही सेड। और वो सब सुन के उन्हें इतना अच्छा लगा, मतलब मैंने जो गाया वो सुन के उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो टोन डेफ नहीं हो, आप बहुत ही अच्छा गाते हो और आपको म्यूजिक की समझ भी है। आई टोल्ड हिम दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, समथिंग आई हैड हर्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सो आई डिडंट रियली प्रूव एनीथिंग। तो जब भी वो मेरी तारीफ कर रहे थे तभी मैंने उनसे यही कहा कि ये जो मैंने गाना गाया वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है एंड मैंने वो 100 बार सुना है, तो मैंने कुछ प्रूव नहीं किया एज सच। मेरा फेवरेट सॉन्ग है इसलिए मैंने इजीली गाया वो। नॉनसेंस सेड आइंस्टाइन, इट प्रूव्स एवरीथिंग। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट एरिथमेटिक लेसन इन स्कूल? तो आइंस्टाइन जी ने क्या कहा कि आप कुछ भी बक रहे हो, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ये सब प्रूव करते हैं कि आपको नॉलेज है। आपको अपना पहला एरिथमेटिक लेसन याद है क्या? मतलब आप जब स्कूल में थे, आप मैथ्स कर रहे थे, तभी आपको आपका पहला एरिथमेटिक का लेसन याद है क्या? सपोज एट योर वेरी फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद नंबर्स योर टीचर हैड ऑर्डर्ड यू टू वर्कआउट विद अ प्रॉब्लम इन से लॉन्ग डिविजन और फ्रैक्शंस, कुड यू हैव डन इट? तो आइंस्टाइन जी ने क्या कहा कि सपोज, मतलब आप अभी मेमोराइज करो, आप याद करो और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपके टीचर ने स्कूल के पहले दिन आपको कहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो जिसमें बहुत सारा डिवीजन हो, लॉन्ग डिवीजन हो मतलब लेंदी हो, और फ्रैक्शंस हो प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो भी फ्रैक्शन हो, तो आप कर देते क्या वो पहले दिन स्कूल के? आप कर देते क्या? नो ऑफ कोर्स नॉट। एग्जैक्टली, इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स, यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस्ड। तो आइंस्टाइन जी ने क्या कहा कि एग्जैक्टली आपको वो याद कभी नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज आपका पहला दिन था वो स्कूल का, तो आपको कैसे आएगा वो? तो इसीलिए जब आपको मैथ सीखना हो तो आपको बेसिक से सीखना होगा, मतलब पहले आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना होगा, और जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे तभी आपको मल्टीप्लीकेशन और डिविजन आएगा, और उसके बाद आपको फ्रैक्शंस आएगा और जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने आएंगे। तो मैं एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ जो कि थोड़ा एडवांस लेवल का है अभी,
It was John McCormack singing the trumpeter. Sing that back, he ordered. तो उन्होंने जॉन मैकोमैक का एक ट्रम्पेटर बजाया. तो जो राइटर थे उन्होंने क्या कहा कि फिर से बजाओ, मुझे सुनना है. एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल अंटिल ही वॉज प्लेइंग जस्ट म्यूजिक विदाउट वर्ड्स. और जैसे जैसे हम लोग वो म्यूजिक प्ले कर रहे थे, हम लोग हमारे लेवल्स बढ़ा रहे थे. पहले थोड़ा लो लेवल था, फिर हाई लेवल आ गया, फिर और हाई लेवल आ गया, और हम लोग वो म्यूजिक प्ले करते जा रहे थे और वर्ड्स नहीं थे बिल्कुल भी वो म्यूजिक में. आई वॉज अमेज्ड दैट दिस ग्रेट मैन वॉज पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू मी सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू. और मैं अमेज था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बिकॉज ये जो आदमी थे वे मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी मेरे पे कंप्लीट अटेंशन दे रहे थे, मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे, और बहुत कुछ सीखने जैसा था उनके पास से. इट वॉज एज इफ आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड. और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मुझे इतना अटेंशन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सिखा रहे हैं, तो मुझे एक मिनट के लिए ऐसे लगा कि मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ उनके लिए, इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है मेरा. सडनली ही गॉट अप एंड टर्न्ड ऑफ द ग्रामोफोन. और अचानक से वे उठे और उन्होंने वो जो ग्रामोफोन था वो बंद कर दिया. नाउ यंग मैन ही सेड वी आर रेडी टू लिसन टू बैच. तो जब भी आइंस्टाइन जी उठे और उन्होंने वो ग्रामोफोन बंद किया, तभी उन्होंने मुझसे यही कहा कि आपको अभी नॉलेज आ चुका है, आपको समझ में आ चुका है म्यूजिक, और आप अभी रेडी हो बैच को सुनने के लिए. वी वेंट डाउन एंड सैट इन द हॉल. और ये कहते ही हम लोग दोनों भी नीचे उतर गए और हॉल में बैठे. जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू लिसन ही सेड दैट्स ऑल देयर इज टू इट. और उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ कही कि आप शांति से बैठो एंड आप अलाउ करो वो म्यूजिक को आपके कानों में आने के लिए, एंड आप शांति से वो लिसन करो, मतलब सुनो, आपको सब समझ में आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा. आई हैव हर्ड दैट पीस मैनी टाइम्स सिंस दैट डे बट आई एम नेवर अलोन. और उस दिन से मैंने वो जो पीस है, मतलब वो जो म्यूजिक है, मैंने बहुत बार सुनी, और जब भी मैं सुनता हूँ मैं कभी भी अकेला नहीं रहता हूँ. आई एम सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल मैन विथ अ शॉक ऑफ अनटाइडी हेयर एंड अ पाइप इन हिज माउथ. जब भी मैं वो म्यूजिक सुनता हूँ, तब भी मेरे बाजू में, मतलब मेरे बगल में एक आदमी है, मतलब छोटा आदमी है, उसके हेयर्स बहुत अनटाइडी है, मतलब ठीक से कोम्ब नहीं है, अनटाइडी हेयर्स है, और उसके मुंह में हमेशा एक पाइप होता है. ही हैज़ आईज दैट आर यूजुअली वॉर्म. और उनके जो आईज है वो अनयूजुअली वॉर्म होते हैं, मतलब क्लियर नहीं होते. When the concert ended, I too was able to clap sincerely. और जब भी वो कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ, तब भी मैंने भी बहुत सिंसियरली क्लैप किया, मेरे को बहुत पसंद आया था वो, और पूरे मन से मैंने क्लैप किया, मतलब तालियां बजाए. Our hostess came towards us. We both stood up. और हमारी जो hostess थी वो हमारे यहाँ आई और हम दोनों भी stood up हुए, मतलब खड़े हुए. I am so sorry, Dr. Einstein, she said, giving me a cold look that you miss so much. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, वो जो हॉस्टेस थी वो हमारे पास आई और उसने डॉक्टर आइंस्टाइन से माफ़ी मांगी, और उसने यही कहा कि आपने बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट मिस कर दिया है, आप कहाँ पे थे. I am so sorry too, he said, my young friend here and I, however, were engaged in the greatest activity of which a human being is capable. तो आइंस्टाइन जी ने भी माफ़ी मांगी और उन्होंने उससे यही कहा कि ये जो मेरा यंग फ्रेंड है, ये और मैं एक ऐसे एक्टिविटी में एंगेज थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और इट वॉज बेस्ड ऑन द केपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग, मतलब ह्यूमन बींग कितना केपेबल होता है कभी कभी, उसके बारे में ही बेस्ड थी. शी लुक पजल्ड, रियली शी सेड, एंड वॉट इज़ डैट. तो वो जो हॉस्टेस थी वो भी पजल्ड थी, मतलब
थोड़ा वो कन्फ्यूज हो गए और उसने भी वही पूछा कि सच में और ये एक्टिविटी क्या थी। आइंस्टाइन स्माइल्ड एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर्स ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी। तो आइंस्टाइन जी ने स्माइल किया और उनके जो आर्म्स थे वो मेरे शोल्डर पे रखे और उन्होंने वही कहा कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीख रहे थे। मतलब हम लोग एक खूबसूरत चीज़ को सीखने के दरवाजे खोल रहे थे, वी वर ओपनिंग दोज गेट्स ऑफ ब्यूटी। तो ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। सो वॉट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस चैप्टर? द नाइट आई मेट आइंस्टाइन रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर ऑन द ओकेजन ही मेट अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये जो चैप्टर है तो नरेटर है उसका एक्सपीरियंस रिवॉल्व करते हैं कि जब भी वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिले तब भी उन्हें कैसे लगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो जो पूरा सिचुएशन है वो कैसे हैंडल किया और जो नरेटर है उसको कैसे रियलाइज करवाया। थ्रू आउट द रिकलेक्शन ऑफ द इवेंट द नरेटर टेल्स द रीडर्स अबाउट हाउ आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक एंड स्पेंट एन इवनिंग लिसनिंग टू द बेस्ट ऑफ म्यूजिक टुगेदर। तो थ्रू आउट चैप्टर में क्या समझ में आया हम लोग को कि एक रिकलेक्शन था इवेंट का और नरेटर जो रीडर्स है उनसे क्या कहता है कि कैसे डॉक्टर आइंस्टाइन ने म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने खुद को भी इंट्रोड्यूस किया, जो ब्यूटी है म्यूजिक की उसका इम्पोर्टेंस बताया और एक बहुत ही ट्रिमेंडस इवनिंग और एक ब्यूटीफुल इवनिंग कैसे स्पेंड की उन्होंने वो म्यूजिक को सुनते हुए। दे देन फाइनली लिसन टू अ बैच कॉन्सर्ट अपॉन द आइंस्टाइन मार्वल्ड एट द ईयर द नरेटर हैड फॉर म्यूजिक। तो फाइनली उन्होंने बैच कॉन्सर्ट को सुना और डॉक्टर आइंस्टाइन ने इम्पोर्टेंस बताया नरेटर को, मतलब जो हार्ड म्यूजिक है उसका इम्पोर्टेंस बताया नरेटर है उसको। तो यही पूरे चैप्टर में हम लोग ने सीखा। बिकॉज पहले क्या हुआ था, जो नरेटर था उसने खुद को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया था, ही वॉज लाइक दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ बैच म्यूजिक। तो तभी डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्हें एक स्कूल का एग्जाम्पल देके समझाया कि कैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, मतलब कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो तो कैसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना चाहिए, बिकॉज अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा तो ही मल्टीप्लीकेशन और डिविजन आएगा। तो ऐसे एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने खुद का और वो जो नरेटर है उनको म्यूजिक से इंट्रोड्यूस किया, म्यूजिक का इम्पोर्टेंस बताया। सो दिस इज द एंड ऑफ अ चैप्टर, वील मीट ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।